भूमिका को चुनना बताता है अभिनेत्री की इम्पोर्टेंस। किसने की थी फिल्म के सेट की फोटो शेयर? कब हुई थी पहली बार फाइटर की न्यूज अनाउंस? जानने इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनविता पाठक, आपकी दोस्त और आज के इस वीडियो की होस्ट। आज मैं लेकर आई हूं आपके सामने एक बेहतरीन फिल्म की न्यूज, जिसकी बेहतरीन कास्ट के आगे सारी फिल्में फेल होती नजर आ सकती हैं। बात कर रही हूं मैं फिल्म फाइटर की, जो साल 2022 में रिलीज होकर भारत की पहली एरियल एक्शन मूवी होने वाली है। इस फिल्म में फर्स्ट टाइम इस जोड़ी को लिया गया है, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। अब तक हमने ऋतिक की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ देखी है, कंगना रनौत से लेकर कैटरीना कैफ, हर किसी के साथ अमेजिंग पेयर बनाते आए हैं ये अभिनेता ऋतिक रोशन। लेकिन अब बारी है बॉलीवुड में ऋतिक के एक नए पेयरिंग की, जो हो चुकी है दीवानी मस्तानी के साथ। ये फिल्म लंबे समय से चर्चा में रही, शूटिंग अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि साल के एंड तक शूटिंग खत्म हो जाएगी। फिल्म में ऋतिक तो एक पायलट की भूमिका निभा सकते हैं, मगर दीपिका के रोल को लेकर कोई साफ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। मगर 100 बात की एक बात नहीं ये तो है कि ऋतिक रोशन की फिल्म में दीपिका का रोल काफी दमदार होने वाला है, क्योंकि दीपिका ऐसी किसी भी फिल्म में काम नहीं करती जिसमें उनका रोल हीरो से कम मजेदार या कम प्रभावशाली हो। ऐसे में अगर दीपिका ने फाइटर फिल्म के लिए हाँ की है तो जाहिर है उनका रोल काफी दमदार होने के साथ भारी भी होगा। फिल्म में फुल टू एक्शन देखने को मिलेगा, कहना है कुछ फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का। इससे पहले भी सिद्धार्थ ने ऋतिक के साथ फिल्म वॉर और बैंग बैंग बनाई है, तो इस फिल्म के लिए ऋतिक को चुनने के पीछे की उनकी वजह जरूर एक सही डिसीजन ही रही होगी। फाइटर के समान हैवी एक्शन सीक्वेंस ऋतिक से बेहतर कौन ही कर सकता है। कुछ दिनों पहले ही शूट के सेट से अभिनेता ने दीपिका संग सेल्फीज खींचकर अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर शेयर की। फोटो में ऋतिक ब्लैक टी शर्ट में कैप लगाए दिख रहे हैं, तो वही दीपिका पादुकोण रेड कलर के आउटफिट में नजर आ रही है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा, ये गैंग टेक ऑफ के लिए रेडी है। फिल्म का ऐलान ऋतिक के जन्मदिन यानी कि 10 जनवरी को किया गया था, जहां ऋतिक ने खुद ट्विटर पर आकर सभी ऑडियंस को अपने बर्थडे के ट्रीट स्वरूप ये न्यूज दी थी। उस वक्त भी टेक ऑफ करने से मिलती जुलती कुछ कैप्शन का प्रयोग कर दीपिका को एक्टर के रूप में पाकर धन्यवाद व्यक्त किया था। दीपिका ने भी खुद को ब्लेस्ड मानते हुए सिद्धार्थ आनंद का शुक्रिया अदा किया। और ये 47 वर्षीय अभिनेता फाइटर मूवी में तोड़ू एक्शन करते नजर आएंगे, जिससे एक बार फिर जनता उनकी दीवानी हो जाएगी। अब ऐसे में फिल्म में आगे क्या होता है वो जानेंगे हम फिल्म के आने पर। तब तक आप सोचिए और हमें भी बताइए कि कौन है सीरीज से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है भूमिका त्रिपाठी ने। दिस इज अनिता साइनिंग ऑफ, सायोनारा।